नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीजेपी नेता पत्नी की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार। उज्जैन में चोरी का प्लान बनाकर घर में घुसे पहचानने पर दंपत्ति की हत्या। उज्जैन में भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में मंगलवार को पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग है। आरोपी बीजेपी नेता के गाँव के ही है। घटना देवास रोड स्थित पिपलोदा गाँव की है। 27 जनवरी की सुबह भाजपा नेता रामनिवास कुमावत उम्र 70 और उनकी पत्नी मुन्नी कुमावत उम्र 65 के शव घर में मिले थे। पुलिस शुरुआत से लूटपाट में मर्डर की आशंका जता रही थी। शाम को ही घर के आंगन में छिपकर बैठे। एएसपी गुरुप्रसाद पारशर ने बताया कि गांव के ही होने की वजह से आरोपियों को पता था कि दंपत्ति घर में अकेले रहते हैं। परिवार गांव में सबसे संपन्न है। घर में कैश और जेवर भी है। चारों ने मिलकर प्लान बनाया। आरोपियों ने बताया कि 26 जनवरी की शाम वे लोग भाजपा नेता के घर के आंगन में छिपकर बैठ गए थे। नौकरों के जाते ही घर के अंदर घुसे। रात में जब ये पता चल गया कि घर के सभी नौकर मवेशी बांधकर घर से चले गए हैं, इसके बाद 2 आरोपियों में से एक ने खिड़की की ग्रिल तोड़ी और कमरे के अंदर गया। इसके बाद कमरा अंदर से खोल दिया ताकि उसके साथ ही अंदर आ सके। इस दौरान कुमावत और उनकी पत्नी जाग गए। चोरों को वे जानते थे, इसी वजह से आरोपियों ने पति पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस बीच भाजपा नेता की पत्नी ने काफी संघर्ष किया और एक आरोपी को दांत से काट भी लिया था। खिड़की के ग्रिल तोड़कर घुसे सीसीटीवी कैमरे डैमेज किए। भाजपा नेता कुमावत गांव के मकान में पत्नी के साथ रहते थे। बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा देवास में रहता है। वो रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। 27 जनवरी की सुबह बाहर नहीं निकले तो गांव में ही रहने वाले उनके साले ने घर जाकर देखा। उन्होंने सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच में पाया कि खिड़की की ग्रिल टूटी हुई थी। मेन गेट का दरवाजा तो बंद था लेकिन मकान का पिछला गेट खुला हुआ था। ऐसे पहुंची पुलिस आरोपियों तक। पुलिस को सुराग मिला कि मारने वाला कोई जान पहचान का ही है। ग्रामीणों से पूछताछ शुरू हुई तो पता लगा कि घटना वाले दिन के बाद से 2 युवकों के शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस ने इन दोनों युवकों से जब पूछताछ की तो दोनों गुमराह करने लगे। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।